जम्मू कश्मीर के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गुरुवार को चुनाव पूर्व गठबंधन का ऐलान हुआ। इसकी घोषणा खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने की और कहा कि राज्य की सभी 90 सीटों पर कांग्रेस के साथ गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया गया है। यह ऐलान अब दोनों दलों के गले की हड्डी बनता हुआ दिख रहा है। ऐसा क्यों, आइए आपको बताते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि टिकट ना मिलने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेता पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। बनिहाल और चुनाव घाटी के कुछ हिस्सों में नेताओं के अंदर असंतोष की लहर से नेशनल कॉन्फ्रेंस चिंतित है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसी तरह के संकट से जूझ रही है, लेकिन अब तक वह स्थिति को नियंत्रण में रखने में कामयाब रही है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अपने दल को एकजुट रखना बड़ी चुनौती है और इस पर फिलहाल वह काबू करने की कोशिश में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने राज्य में 60 और 30 सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप दिया है, लेकिन गठबंधन के तौर तरीकों से ज्यादा आंतरिक असंतोष बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है। इसे लेकर श्रीनगर में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की बैठक चल रही है। कांग्रेस हाईकमान से मंजूरी मिलने और बैठक के बाद आज उम्मीदवारों की अंतिम सूची नेशनल कॉन्फ्रेंस को सौंप दी जाएगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 3 चरण में चुनाव होंगे, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर। नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गठबंधन हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि गठबंधन चाहे जिस भी तरीके से बने, हमारे सैनिकों, कार्यकर्ताओं और कमांडरों को उचित सम्मान मिलेगा। अब देखना यह होगा कि क्या चुनाव से पहले पहले इस गठबंधन से दोनों पार्टियों के बीच नेताओं के चलते कोई बड़ा बवाल पैदा होता है या नहीं। आपके इस खबर पे क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनहित टाइम्स के साथ।